फिर नया दिन नया ब्रेकफास्ट। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ सुबह सुबह घर में ब्रेकफास्ट के टाइम क्या माहौल होता है। सो जो मेरी भाभी है वो हमेशा से आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। सो वो बना रही थी गर्मा गर्म पराठे। पराठों के लिए उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर लिया था, आटा वगैरह गूंद के साइड में रख के उन्होंने एक डो प्रिपेयर किया था। डो प्रिपेयर करने के बाद आलू का जो फिलिंग होता है इट वॉज सो टेस्टी और थोड़ा सा तीखा भी था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एंड यू कैन सी कितना स्मूथली बनाती हैं ये। अदरवाइज आलू के पराठे बनाना तो मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एंड बिल्कुल भी फटते नहीं है उनसे पराठे। आई थिंक शी इज़ क्वाइट एक्सपर्ट इन दिस नाउ। एंड उसके बाद यहाँ पे वो मैंने दो पराठे पर्सनली खाए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आप देख सकते हो कैसे उस पर तेल लगा के गर्मा गर्म, नाश्ते में तो मज़ा ही आ जाती है। लाइक अगर आप इंडियन हो तो वो इंडियन अर्ग होती है ना कि मतलब आलू पराठा बस मिल जाए, आलू पराठा और गर्मा गर्म चाय, क्या ही कॉम्बिनेशन है। इतना मज़ा आता है ना मतलब खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई विल थैंक्स अल्लाह कि इतना सब खाने मिल रहा है एंड मुझे बहुत ही ये काफ़ी देख सकते हो आप कितना टेम्पटिंग एंड डिलीशियस लग रहा है। एंड काफ़ी सारे वो ऑलरेडी बना चुकी थी तो थोड़ा बहुत मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया एंड इट वाज लुकिंग सो टेस्टी। एंड पराठे तो बनते रहेंगे जैसे जैसे सब उठेंगे सब खाएंगे, लेकिन उसके अलावा मतलब मैंने बस ये ठान लिया है कि अब मैंने स्टेप बैक नहीं लेना है, मैंने डेली एक वीडियो अपलोड करना है चाहे वो कुछ भी हो। मुझे बहुत ही ऐसे फील होता है कि मतलब कि नो बडी इज़ वॉचिंग माई वीडियो, बट ऐसा मेरी मम्मा बोलती हैं कि तुम मेहनत करती रहो, एक दिन तो ऐसा होगा कि एवरीबडी विल वॉच एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। एंड मुझे ऐसा टेस्ट इन्हीं पर भरोसा है एंड आई विल वर्क हार्ड एंड मैं ट्राई करूँगी डेली ही कुछ ना कुछ शूट करूँ। एंड फिर उसके बाद भाभी ऑलरेडी बहुत सारे पराठे बना चुकी थी, ये लास्ट कुछ पराठे थे बिकॉज़ बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे और